दोस्तों, हर हफ्ते हम आपसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं इक्विटी मार्केट में, फंडामेंटली, टेक्निकली और अदरवाइज, और उसके रैशनल पे चर्चा करते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से हम कुछ फ़ायदा उठा सकें इक्विटी मार्केट में। उसी कड़ी में आज हम आपसे हेवल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे कि हेवल्स इंडिया का स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं, हेवल्स इंडिया किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और उसकी रिटर्न रेशियोज कैसे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या रिटर्न कंपनी दे रही है और अपने पूरे इकोसिस्टम में कंपनी कैसा कर रही है। उसके साथ हम देखेंगे कि टेक्निकल्स पे डिमांड सप्लाई सिनेरियो चार्ट पे किस तरह से दिख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा। हेवल्स इंडिया लिमिटेड का कंज्यूमर वर्ल्ड में कह लें या कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स वर्ल्ड में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। अब कंपनी के बारे में समझें कि कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, तो 1958 में कंपनी को कीमत राय गुप्ता ने कंपनी का को इस्टेब्लिश किया और वहां से कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई। 1971 का वो साल था जब हवेली राम गांधी से मिस्टर कीमत राय गुप्ता ने उनके ब्रांड को खरीदा और उसके बाद कंपनी का नाम हेवल्स हो गया। कंपनी का 1993 में जो साल था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस समय कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे NSE BSE पे लिस्ट हुई। 2003 का वो साल था जहां पर कंपनी कंज्यूमर बिजनेस और लाइटिंग बिजनेस में फोरे किया है कंपनी ने, और उसके बाद 2007 में कंपनी का जो एक ग्लोबल एस्पिरेशन था एक्सपेंशन का, उसमें कंपनी ने ग्लोबल जो बिजनेस था सिल्वेनिया का उसको कंपनी ने एक्वायर किया। उसके बाद 2015 में कंपनी को ऐसा लगा कि उनके ये जो ग्लोबल फोरे बिजनेस हैं शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया सिल्वेनिया के बिजनेस को। अब वो डोमेस्टिकली फोकस करने लगे कि भारत में ही इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर किस तरह से एक्सपेंड किया जाए, और उसी के चलते अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक एक्सपेंशन जो था कंपनी का, उसमें कंपनी ने 2017 में लॉयड कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस कंपनी ने एक्वायर किया है, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, जाना पहचाना ब्रांड है AC सेगमेंट में, एयर कंडीशनर सेगमेंट में। उसके बाद कंपनी देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो होम अप्लायंसेस में कई प्रोडक्ट्स हैं इनके जहां पर कंपनी डील करती है। अब कंपनी का प्रेजेंस जो है काफ़ी सेगमेंट में है और इन सारे सेगमेंट में होने के कारण हम देखेंगे कि इनकी जो मार्केट में लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पहले पायदान से लेकर तीसरे, मतलब टॉप थ्री में कंपनी काफ़ी जगह अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करती है। और ब्रांड पुल तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कंपनी के पास है हेवल्स का ब्रांड, और उसी के कारण कंपनी की जो प्रोडक्ट क्वालिटी के कारण कंपनी जो है अपने आप को अच्छे पायदान पर रख सकी है। तो देखिए कि स्विच गियर अगर की बात करें जहाँ पर कि MCB है, तो उसमें अगर देखें तो इंडिकेटिव मार्केट शेयर कंपनी के पास 18% का है और स्विचेस में 12-13% के करीब का है। और अगर हम इंडिकेटिव रैंक की बात कर लें तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में आ रही है कंपनी MCBB में, और स्विचेस में तीसरे पायदान पे कंपनी है। और इनके जो इस सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटर हैं वो लीग्रैंड और स्नैडर है, और दूसरा पैनासोनिक एंकर और लीग्रैंड इनको कम्पीट करते हैं। फ्लेक्सिबल जो वायर है कंपनी का, उसमें अगर हम देखेंगे तो 10,000 करोड़ के करीब इंडिकेटिव मार्केट शेयर, 10,000 करोड़ का मार्केट है टोटल, उसमें 16% हेवल्स का मार्केट शेयर है और उसमें तीसरे पायदान पे कंपनी है। फिनोलेक्स और पॉलीकैप से यहाँ पर इनका एक जो है कह लें कि टफ कंपटीशन या इंटेंस कंपटीशन है इसमें। और पावर जो केबल बनाती है वहाँ 15,000 करोड़ का मार्केट है और उसमें शेयर मार्केट शेयर कंपनी के पास 10-11% का है, और इसमें कह लें पॉलीकैप्स और KEI इंडस्ट्री से कंपनी कम्पीट करती है। अब आते हैं LED सेगमेंट जो कि काफ़ी कह लें कि एफिशिएंट एनर्जी सेगमेंट जो कि है लाइटिंग एंड फिक्स्चर में 10,000 करोड़ के करीब का मार्केट है और उसमें 12-15% मार्केट शेयर कंपनी एंजॉय करती है। और इसमें जो इनके जो रैंकिंग है इसमें 2 से लेके 4 तक की रैंकिंग है कंपनी की। इसमें फिलिप्स, विप्रो और क्रॉम्पटन से कंपनी कम्पीट करती है। और हम देखें कि जो
ईसीडी है जो जो कि इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम है, जिसमें कि कंपनी फैंस, वाटर हीटर्स और अदर अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस बनाती है कंपनी। और उसमें 7,500 का फैंस का मार्केट है, 7,500 करोड़ का, उसमें 19% कंपनी का मार्केट शेयर है। और वहां पर क्रॉम्पटन, उषा और ओरियंट से कंपनी कंपीट करती है, और वहां पर कंपनी की पोजीशन मार्केट में दूसरे नंबर की है। और हम वाटर हीटर्स की बात करें तो 19% के करीब का मार्केट शेयर है कंपनी का, और 1700 करोड़ का मार्केट है टोटल। और इसमें फर्स्ट नंबर पे हेवल्स के वाटर हीटर आते हैं, जहां पर कि ये कंपीट कर रहे हैं रिकॉर्ड से, एओ स्मिथ से। अब देखें कि अदर अप्लायंसेज जो होम अप्लायंसेज हैं, जहां पर कि बहुत बड़ी कैटेगरी है, 5,000 करोड़ का करीब का मार्केट है, कंपनी 6% मार्केट शेयर इंजॉय करती है। और उसमें तीसरे से चौथे पायदान पे टॉप से हम अगर देखेंगे है, जहां पर कि वो फिलिप्स और बजाज से कंपीट करती है उस सेगमेंट में। तो हमने समझा कि कंपनी में का जो जो कॉम्पिटिटर हैं और कंपनी की रैंकिंग जो है मार्केट शेयर के हिसाब से क्या रही है। अब कंपनी को हम अगर देखेंगे कि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो तकरीबन 60 कंट्रीज में है, 60 प्लस कंट्रीज में है। 14,270 इनके स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क हैं कह लें, और इनकी 39 ब्रांच ऑफिसेज हैं कंपनी की, और 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फैसिलिटी है इनकी अक्रॉस इंडिया है। अब कंपनी के हम रेवेन्यू को समझें पहले, उसको देखेंगे पहले हम समझें कि कंपनी का जो है सिक्वेंशियल किस तरह से साल दर साल रेवेन्यू में या एबिटा में किस तरह के ग्रोथ रहे हैं। तो अगर हम वहां पर देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको जो दिखती है कि इसमें इनके जो रेवेन्यू के ग्रोथ रहे हैं, अगर हम 2018 से लेकर जो डेटा है हमारे पास ब्लूमबर्ग पे, 2018 से लेकर और 2021 तक के जो डेटा आए हैं, कंपनी फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर चुकी है और उसके डेटा आ चुके हैं, उसमें 8,000 करोड़ के करीब का 2018 में जो है 8,099 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो बढ़कर जो है 10,457 करोड़ के करीब का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर रही है 2021 में। तो उस साल 2018 में प्रीवियस ईयर से 32% के करीब का रेवेन्यू ग्रोथ था, उसके बाद वाले साल में हमने 23% देखा, और 2020 में चूंकि पैंडमिक ईयर था और वहां पर डी ग्रोथ थी, लेकिन इस साल भी पूरा पैंडमिक ईयर ही 2021 गया है, बावजूद उसके कंपनी ने 11% के करीब का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है। एबिटा अगर देखें तो 2018 में करीब 1,045 करोड़ था, जो बढ़कर 1,571 करोड़ के करीब एबिटा कंपनी पोस्ट किया है 2021 में। और इस साल अगर एबिटा की बात करें 2021 में, तो कंपनी ने 15% का ग्रोथ दिखाया उसमें। और ईपीएस की अगर हम बात कर लें या फिर हम नेट प्रॉफिट की ही बात करें अगर, तो 647 करोड़ 2018 में कंपनी के प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर अब 1,016 करोड़ हो गया है। ब्लूमबर्ग पे जो एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं कि आने वाले साल में किस तरह से कंपनी कर सकती है, तो नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी करीब करीब 15% देख रहे हैं एनालिस्ट, और उसके बाद वाले साल में भी 15%, मतलब आने वाले 2 सालों में तकरीबन 15% के करीब का रेवेन्यू ग्रोथ हर साल कंपनी देख रही है, एनालिस्ट देख रहे हैं, मार्केट अगर देख रहा है। एबिटा में भी अगर देखें तो जो कि 1571 करोड़ इस साल पोस्ट किया है, नेक्स्ट ईयर 1652 करोड़, और उसके बाद आने वाले साल में तकरीबन 2000 करोड़ का एबिटा हो जाएगा। ईपीएस की बात कर लें या नेट प्रॉफिट की बात कर लें, तो नेट प्रॉफिट जो कि इस साल 1016 करोड़ का है, वो बढ़कर 1142 करोड़ के करीब का नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर में। 2023 में कंपनी 1380 करोड़ के करीब का नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसा दिख रहा है कि अपटिक है कंपनी का। और इस बार जो कंपनी ने पैंडमिक ईयर में जो कंपनी ने गार्नर किया है कह लें रेवेन्यू, तो उन्होंने एक रूरल जो है चैनल या रूरल विस्तार करके उन्होंने एक कैंपेन किया है, और रूरल से काफ़ी ज़्यादा जो है इनको ग्रोथ के आसार हैं, और ग्रोथ हुआ भी है इस साल रूरल से। और कंपनी ने जो अपने मार्केटिंग चैनल जिसे फिजिट डिजिट कहते हैं, जैसे कि फिजिकल वे भी की तरफ अपने डीलर नेटवर्क को बढ़ाना और डिजिटली भी अपने आप को स्ट्रांग करना, ताकि पैंडमिक जैसे डिसरप्शन के कारण भी कंपनी के सेल्स में कोई भी डिसरप्शन नहीं हो सके। तो ये तमाम चीज़ें कंपनी ने इस गए हुए साल में जोड़ी हैं। तो कंपनी का जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, और कंपनी को देखें तो इसमें जो रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको कि हम काफ़ी बारीकियों से देखते हैं कि कोई भी कंपनी जितना पैसा लगाती है शेयर होल्डर्स का या टोटल जो एम्प्लॉयड करते हैं पैसा, उसमें किस तरह का रिटर्न छोड़ती है। तो ओवर द ईयर्स अगर देखेंगे तो काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स रहे हैं। 2017 से देखें 2021 तक
तो इसमें कह लें कि 25% के ऊपर की ग्रो मतलब इसमें रिटर्न रेशियोज रहे हैं इनके, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 2017 में 26%, 2018 में 29%, 2019 में 30%, 2020 में कह लें 25% और इस साल फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 32% का रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। तो ये काफ़ी सुपीरियर नंबर्स हैं और देखेंगे कि वैल्यूएशंस के की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें लगेगा कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। 60,000 के ऊपर करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 1,000 करोड़ कंपनी कमाती है तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा। लेकिन कोई भी कंपनी जिसके रिटर्न रेशियो जितने ज़्यादा होते हैं मार्केट जो है उनको प्रीमियम हमेशा देता है और वो हमेशा महंगे लगते हैं। जैसे आप कह लें एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, ये तमाम कंपनियां हैं, बर्जर पेंट, ये जो कैटेगरीज हैं या ये पेडिग्रीज हैं इसमें आपको हमेशा वैल्यूएशंस जो है महंगे लगेंगे करंट मार्केट प्राइस पे। लेकिन चूंकि इसमें फ्यूचर ग्रोथ एम्बाइड रहता है और कंपनियों के मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और उनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी सुपीरियर रहते हैं और आज के डेट में जबकि मार्केट अपने लाइफ हाई पे है, बावजूद उसके हमें अगर किसी कंपनी को देखना है तो हमें अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड की तरफ रहना चाहिए ताकि ऐसे ब्रांड के साथ रहें जहां पर कि आपको अगर लेट्स से कि मार्केट ख़राब भी होता है तो ये कंपनियां ओवरराइड कर जाती हैं ऐसे सिचुएशन या ऐसे डिसरप्शंस को या उनके अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ है। और अगर इनकी बैलेंस शीट पे भी देखें तो इनके डेट नहीं है, एकदम निल है, पहले डेट बहुत ही कम है, 500 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के बुक्स पे, जो कि नेट रूप से अगर देखेंगे जो कि ग्रॉस में है लेकिन नेट रूप से देखेंगे तो शायद वो भी नहीं है इनके पास। नेट रूप से डेट क्यों कम है, क्योंकि कंपनी का अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में जो कैश इक्विवेलेंट पोर्शन है वो करीब 1,950 करोड़ का है और इनके जो जो टोटल डेट है वो 524 करोड़ के करीब है, तो नेट कह रहे हैं डेट निल है। तो कंपनी की बैलेंस शीट एज सच हेल्दी है, इन्होंने अपने आप को कह लें कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया है या फिर उन्होंने रिस्क उस तरह से नहीं लिया है, लेकिन ब्रांड का जो वैल्यू है कंपनी में वो काफ़ी स्ट्रांग है और गोइंग फॉरवर्ड अगर ब्रांड स्ट्रांग रहता है किसी भी चीज़ का तो वो आपको पुल इफेक्ट देता है आपके प्रोडक्ट्स में, जो कि हमको इस साल इनकी जो है बैलेंस शीट में कह रहे हैं या इनके P&L में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई हैं। कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में कुछ बात करेंगे तो टेक्निकल्स में हम देखें तो कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही कंसोलिडेशन में है, टोटल अगर चार्ट को देखेंगे तो, लेकिन 1200 के ऊपर का हमने प्राइस देखा है और अभी फिलहाल जो है 1000 रुपये के करीब मार्केट ट्रेड हो रहा है। नीचे जो सपोर्ट है अहम सपोर्ट आएंगे 975-965 के आसपास हैं और ऊपर में तकरीबन 1100 के आसपास में रेंज का जो रेजिस्टेंस आएगा। अब 1100 के ऊपर चलता है तो उसमें एक ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन अभी तक साइडवेज ट्रेडिंग हो रही है, मतलब शायद मार्केट अभी कुछ और वेट कर रहा है और साइडवेज फॉर्मेशन है। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो जिस तरह से फॉर्मेशन बन रहे हैं, साइडवेज है और जब कभी भी इसमें 1100 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक अच्छी तेज़ी तकरीबन वहाँ से 150 रुपये की होगी। लेकिन मौजूदा चूंकि इसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन डेफिनेटली एलोकेट करना चाहिए या गिरे तो इसमें डेफिनेटली आपको पोजिशंस बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ऐसी कौन सी कंपनियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो कि हम आपसे ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सकें, उसके फंडामेंटल को, उसके टेक्निकल्स को आपके साथ। और हम आप ऐसी ही वीडियो हर हफ्ते रिलीज करते रहते हैं जहां पर कि कोई अपॉर्चुनिटी हो कंपनी के फंडामेंटल्स में, कंपनी के टेक्निकल्स में, ताकि वहां पर कुछ पैसे लगाकर कुछ चीज़ें कमाई जा सकती हैं या अपॉर्चुनिटी को हम इनकैश कर सकते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके। दोस्तों ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आप तक ये सारी जानकारियां पहुंच सकें और आप मौके का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बात जब तक आपके समझ नहीं आएगी तब तक शायद पैसा भी नहीं बनेगा, तो बात समझ आएगी तो पैसा बनेगा।